हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पिजन फार्म हरियाणा पे और अपने फेसबुक पेज पर। भाई होप सो भाई सभी दोस्तों के कबूतर अच्छे होंगे, भाई हेल्थी होंगे दोस्तों, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई दोस्तों, आज एक बीमारी के बारे में बताऊंगा सभी को। आपको आजकल जो बीमारी कबूतरों में ज्यादातर चली होती है, पहले मैंने भाई सूखे की बताई है, वीडियो डाली हुई है, ठीक है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, जिन भाइयों के कबूतर का भाई सूखा ना, एक बार वो वीडियो देखे, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है वो, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। 2 दिन में आपके कबूतर का सूखा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज एक ये वीडियो बनाऊंगा भाई कबूतर की, जो ये भाई कबूतर का खांसी जुकाम नहीं हो जाता है आजकल, खांसी जुकाम हो जाता है कबूतर को, उस पर वीडियो बनाऊंगा भाई आज, ठीक है। भाई कबूतर का जो कबूतर मुंह फुलाकर सांस लेने लग जाए, ठीक है, मुंह फुलाकर कई बार हो नहीं जाता, कबूतर मुंह फुलाकर सांस लेने लग जाता है, और कई बार भाई कबूतर का नाक बहने लग जाता है, ठीक है, नाक बहने लग जाता है, हो जाता है, और एक आध बार है ना भाई कबूतर की आंखें है ना बेमौसमी आ जाती है, ठीक है, बेमौसमी आ जाती है। उसका कारण भी मैं आपको है ना डिटेल में बताता हूँ किस वजह से होता हूँ, और आपने बताऊंगा उसके लिए आपने अपने कबूतर को क्या मेडिसिन देनी है, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, जो कबूतर मुंह फुलाकर सांस लेवे ना, तो 2 कारणों में उसके, जब कबूतर मुंह फुलाकर सांस लेवेगा, या तो कबूतर के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब जैसे हमारा नहीं गला पक जाता है तो खांसी ही हमको होने लग जाती है, तो गरारे वगैरह करते हैं हम, या फिर मेडिसिन लेके आते हैं कि गला पक गया है, वो इन्फेक्शन ही होता है, ठीक है, ऐसा ही जानवरों के साथ होता है। इस मौसम में ज्यादा इसीलिए होता है ठंडा गर्म खाने की वजह से, ठीक है, कबूतर ज्यादा जो ठंडा मौसम है, सर्दी है बहुत ज्यादा, वो ठंडा पानी पी लेते हैं, कबूतर ज्यादा ही ठंडा होता है, कई बार पी लेते हैं, तो उसकी वजह से कबूतर को गला खराब हो जाता है। और कई बारी भाई कबूतर है ना, कई भाइयों के फोन आते हैं कि भाई कबूतर की ना आंखें आ गई है, तो देखो जो आंखों का इन्फेक्शन होता है वो क्या पता एक के बाद एक में कईयां में आ जाए दोस्तों एक साथ, लेकिन एक आधी बार ऐसा होता है जब कबूतर आपस में पीट पाट देना कबूतर ने, तब कबूतर की आंखें आ जाती है, तो थोड़ा उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपने क्या मेडिसिन देनी है, क्योंकि जब जख्म हो जाता है ना तो जख्म में क्या काम करेगी। और भाई आपने ना उसके लिए दोस्तों ये गोली लेके आनी है, ठीक है, कबूतर अगर नाक बह रही है, ठीक है, खांसी जुकाम हो गया कबूतर का कुछ भी, अगर या कबूतर आपका मुंह फुला कर सांस ले रहा है, ठीक है दोस्तों, मुंह फुला कर सांस लेने के 2 रीजन होते हैं, तो इन्फेक्शन या कबूतर के गले में कोई दाना वगैरह फंस जाता है, ठीक है, ये लेके आनी है अपने दोस्तों। साफ नहीं दिखेगी, मैं इसकी फोटो शेयर कर दूंगा, क्योंकि है ना चौंधा लगता है यहाँ से, ठीक है, मैं नाम लिखा है या डब्बी का ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई, इसका नाम है ना भाई एजिथ्रोमाइसिन है दोस्तों, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये 250 mg का पैकेट है मेरे पास, आप 500 mg का भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, देने का दोनों का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप 250 mg की लेके आओ ना टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, कबूतर के खांसी है, जुकाम है, मुंह फुलाकर सांस ले रहा कुछ भी, तो 250 mg में मिला है तो आपने इसका 1/4 हिस्सा देना गोली का, ठीक है, 1/4 हिस्सा 2-3 टाइम दे दो आपका कबूतर है ना भाई ठीक हो जाएगा। अगर आपके 500 mg में लेकर आ रहे हो आप, तो उसका 1/8 हिस्सा दे दो गोली का भाई, 2-3 टाइम देने की जरूरत है, फिर आपका कबूतर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये हर जगह पे काम करेगी कबूतर का, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है लेके आए दोस्तों, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, 2 या 3 बार देने में आपके कबूतर की खांसी जुकाम गले का इन्फेक्शन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो आंख कबूतर के पिटने की वजह से आ जाती है ना, उसके लिए भी ये काम करेगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी, साथ के साथ ठीक कर देगी दोस्तों, ठीक है, जब कबूतर आपस में पीट देते हैं कबूतर की आंख आ जाती है, तो उसमें भी ये टैबलेट जो है बहुत ही अच्छा काम करेगी एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है दोस्तों। भाई दोस्तों, जो भाई वीडियो पर पहली बार आते हैं भाई, वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, कमेंट किया करो वीडियो पर भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आसपास भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, क्योंकि बीमारी चली हुई है और बीमारी भाई कबूतरों में आ ही रही है मोस्टली, क्योंकि काफी जगह पे देख रहा हूँ मैं, तो बहुत भाइयों के फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, किसी के में कुछ बीमारी रहती है तो किसी के में कुछ भाई, ठीक है, तो भाई जो अपने ग्रुप वगैरह में वीडियो को शेयर किया करो, किसी भाई के कबूतर बच जाए तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि जानवर आई है, इनने किसका क्या बिगाड़ा होता, ठीक है, मेडिसिन दो भाई ठीक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो भाई मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भाई, ठीक है, जो भाई पेज पर होते हैं भाई फेसबुक पर भाई, वो भी प्लीज यार पेज को फॉलो किया करो दोस्तों, आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ताकि उन भाइयों को भी बीमारी से रिलेटेड पता चले दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं भाई दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।